वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। लगातार पिछले दो दिनों से इस चौक को सियासत का मरकज़ बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इस चौक को लेकर जिस तरीके से शहर गुलबर्गा में हंगामा चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस चौक के आसपास अगर आप देखेंगे तो लगातार ये इतना मलबा पड़ा हुआ है जिसमें जनता को जाने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर पब्लिक को जाने आने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 2023 की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर सियासी हजरात आवाम को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? पिछले दो दिनों से इस चौक को लेकर काफ़ी सारा शहर गुलबर्गा में हंगामा मचा हुआ है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन टाइम्स के चीफ एडिटर आली जना मोहम्मद अकबर साहब। सर, ये बताइए, पिछले दो दिनों से इस चौक को लेकर शहर गुलबर्गा में हंगामा चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नईम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझ नाजिस से इंटरव्यू कर रहे हैं आज। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनको एक गली का नाम उनके नाम से मौसूम करना, इतना उनके शान में ना तो बढ़ोतरी होती उससे, ना तो कम होता यहाँ का एक नाम, मामूली नाम रखने से। लेकिन मौलाना आज़ाद के नाम से जो है बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक के यूनिवर्सिटीज़ भी उनके नाम से क़ायम की गई है। यहाँ हमारे इस शहर में एक मामूली चौक का नाम उनसे रखने से उनकी शान में कुछ कम ही होने वाली है ना कुछ। लेकिन हमारे पास जो है, हमारे जो खायज़ हैं खमरुस्सलाम साहब, उनकी 40 साल खिदमत है, उनको हमें आइंदा नस्ल में मुंतकिल करने के लिए, उनकी खिदमत को आने वाली नस्लों को बताने के लिए उनके नाम से हमें इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहना पड़ता है। बाकी जो है, अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद अली साहब भी हमारे पास एक रुकन असम्बली रह चुके हैं। आप जानकर देखिए, मैं समझता हूँ 10-15% लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं मालूम कि मोहम्मद अली साहब भी किसी ज़माने में गुलबर्गा के MLA हुआ करते थे। उनका नाम ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनके नाम को फरामोश कर दिया, उनकी खिदमत को फरामोश कर दिया, जो भी थे। अगर उस टाइम के लोग, जैसा आज हम ये काम कर रहे हैं, अगर यही काम उस टाइम के लोग भी करते तो उनका नाम आज ज़िंदा रहता, लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं रखा। अगर हम खमर साहब के साथ भी यही करेंगे तो आने वाली नस्लें खमर साहब का भी नाम नहीं जानेंगे। इसके लिए इतने ये काम करना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये अगर मशावरत से ये काम किया जाता तो इस पर इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। असल जो मामला है मशावरत का है। अगर मशावरत के साथ होता, हमने भी बहुत सारे लीडरों से बात की, तमाम सियासी जमातों के, सबका यही कहना था कि अगर ये काम हो रहा था मशावरत के साथ होता तो उसकी अलग बात रहती थी। बस यही मेरा कहना है। वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन।